बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज एक मरतबा फिर एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हो। इस वीडियो में हम बात करते हैं फेसबुक मेमोरियलाइज रिपोर्ट के ऊपर। जो फेसबुक डेड रिपोर्ट होते हैं इसके ऊपर आज हम बात करते हैं कि किस तरह आप किसी के अकाउंट को मेमोरियलाइज रिपोर्ट के साथ या डेड रिपोर्ट के साथ बंद करें। तो आज मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, मैं एक अकाउंट को रिपोर्ट करूंगा मेमोरियलाइज रिपोर्ट के साथ और आप लोगों के सामने मैं इसको खत्म करूंगा, मैं इसको डेड रिपोर्ट के साथ बंद करूंगा। तो पहले की तरह सेम प्रोसेस है, लेकिन इसमें आप लोगों को जो पोस्ट करते हैं आप लोग इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। किस तरह चेंजेस करना है, किस तरह पोस्ट करना है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो में। लेकिन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ट्रिक को गलत यूज मत करें। अगर आप इसको गलत यूज करें तो फिर बराए मेहरबानी इस वीडियो को मत देखें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले इस तरह से वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग किस तरह किसी के अकाउंट को मेमोरियलाइज रिपोर्ट के साथ बंद करें या ख़त्म करें। तो मैं अपने अकाउंट का जो प्रिंट डेस्क है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये देखो, ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, इसका नाम भी आप लोग देखो, इसी अकाउंट से मैं पोस्ट करूंगा, अनम खान इसी अकाउंट का नेम है। तो इसी अकाउंट के प्रिंट लिस्ट में जो पहले नंबर पर अकाउंट मौजूद है मेहरोस फातिमा, फॉर एग्जांपल मैं इसी अकाउंट को डेट रिपोर्ट के साथ ख़त्म करूंगा। तो किस तरह ख़त्म करूंगा, नीचे आप लोग इसके टाइमलाइन में पोस्ट करें। पोस्ट किस तरह करें, मैंने इसके टाइमलाइन को इधर से ओपन किया, ये देखो राइट समथिंग टू मेहरोस, इसको इस पर मैंने क्लिक कर दिया और इधर मैंने एक पोस्ट को पेस्ट किया। ये देखो, ये मैंने पहले से कॉपी किया था तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जब आप इसको पेस्ट करें तो ऊपर देखो माय प्रिंट, इस प्रिंट के साथ आप लोग इधर अपने जो अकाउंट आप मेमोरियलाइज रिपोर्ट के साथ ख़त्म करते हैं तो इस अकाउंट का नेम इधर आप लोग मेंशन करें। तो मैं मेहरोस फातिमा को इधर मेंशन करूंगा, देखो मैंने इसको मेंशन कर दिया। जैसे कि आप लोग इसको मेंशन करें तो ऊपर है पोस्ट, आप लोग सिंपल इसको पोस्ट करें और पोस्ट करने के बाद सबसे पहले आप लोग इस पोस्ट को खुद शेयर रिएक्ट करें। शेयर रिएक्ट आप लोग किस तरह करें, देखो मैंने इसको शेयर रिएक्ट कर दिया, मतलब आप लोग लाइक करें लेकिन शेयर रिएक्शन के साथ। तो मैंने इसको लाइक कर दिया। फिर आप लोग इस तरीके से इस पोस्ट से स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखो मैंने इस तरीके से इस पोस्ट से स्क्रीनशॉट लिया, आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि मैंने इससे स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग ऊपर इस अकाउंट के साइड के जो थ्री डॉट वाली ऑप्शन है इस पर आप लोग क्लिक करके नीचे है फाइंड सपोर्ट और रिपोर्ट, इस पर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करें तो लास्ट में है समथिंग एल्स, इस पर आप लोग क्लिक करें, इसको ओपन करें। इसको ओपन करने के बाद नीचे है मेमोरियलाइज दिस अकाउंट, इस पर आप लोग क्लिक करें। जैसा कि आप इस पर क्लिक करें तो इधर मेमोरियलाइज रिपोर्ट का जो फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इधर अपने फ्रेंड का नेम मेंशन करें, हु पास्ड अवे, इसमें आप लोग अपने वही नेम मेंशन करें जो आप लोग मेमोरियलाइज करना चाहते हैं। तो मैंने इधर मेहरोस फातिमा का जो नेम है वो मैंने इधर मेंशन कर दिया। फिर नीचे है व्हेन डिड दे पास अवे, इधर आप लोग दो दिन पहले का डेट ऐड करें। तो आज 27 तारीख है तो मैंने इधर 25 तारीख ऐड कर दिया, 25 जनवरी 2022। फिर नीचे है चूज अ फाइल, तो चूज अ फाइल में आप लोग वही स्क्रीनशॉट ऐड करें जो आपने लिया था, तो मैंने वही स्क्रीनशॉट इधर ऐड कर दिया। इसके बाद नीचे है यूर ईमेल एड्रेस, तो यूर ईमेल एड्रेस में आप लोग अपने फेसबुक अकाउंट का ईमेल एड्रेस को इधर ऐड करें, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद नीचे है सेंड, तो आप लोग सिंपली सेंड पर क्लिक करें। तो देखो मैंने इसको सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद आप लोगों को कितना वेट करना है, तकरीबन 5 से लेकर 6 घंटे तक वेट करना है। अगर आप लोग इसको रात के वक्त करते हैं तो बहुत जल्द ये अकाउंट मेमोरियलाइज हो जाएगा, लेकिन मैंने दिन के वक्त किया तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा और फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कि फेसबुक की तरफ से कौन सा ईमेल आया। तो 5 घंटे बाद जब मैंने अपने जीमेल अकाउंट को ओपन किया तो फेसबुक की तरफ से मुझे एक ईमेल आया था। इस ईमेल में क्या है वो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इधर मेमोरियलाइज रिक्वेस्ट, ये आप लोग देख सकते हैं। इस ईमेल को मैं अभी ओपन करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस ईमेल के अंदर क्या है। तो देखो मैंने इसको ओपन किया, इधर इसमें है हाई अनम, आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस, एज यू आर रिक्वेस्टेड वी हैव मेमोरियलाइज योर लव्ड वन अकाउंट। तो देखो वही अकाउंट मेमोरियलाइज हुआ इस रिपोर्ट के साथ। अभी मैं आप लोगों को फेसबुक में दिखाऊंगा, मैं फेसबुक को ओपन करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये अकाउंट फेसबुक में मेमोरियलाइज है या मेमोरियलाइज नहीं है। तो मैंने इधर फेसबुक को ओपन किया, जैसे कि मैंने फेसबुक को ओपन किया तो मैं वही अकाउंट का नेम ऊपर सर्च करूंगा, मेहरोस फातिमा का जो अकाउंट था मैंने ऊपर सर्च के आइकन पर क्लिक कर दिया। तो इधर मैं मेहरोस फातिमा का जो अकाउंट है इसको मैं सर्च करूंगा। ये देखो मेहरोस फातिमा वही अकाउंट है, मेरे साथ फ्रेंड है। तो देखो ये मेमोरियलाइज, नीचे आप देख सकते हैं नेम के साथ इधर है रिमेंबरिंग और नीचे आप लोग देख सकते हैं रिमेंबरिंग मेहरोस फातिमा अकाउंट। अभी मैं आप लोगों को नीचे वही पोस्ट भी दिखाऊंगा, आप लोग इधर रिमेंबरिंग ऊपर देख सकते हैं। इसके बाद नीचे वो पोस्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो मैंने किया था अनम खान के अकाउंट से। तो ये देखो
वही पोस्ट भी इधर मौजूद है, इक्कीस हावर एगो मैंने ये पोस्ट किया था, लेकिन मैंने इस ईमेल को लेट टाइम देखा था, तो जब मैंने देखा तो वो अकाउंट में मिलाज हुआ था। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आप लोग किस तरह फेसबुक अकाउंट को मेमोरीलाइज रिपोर्ट के साथ बंद करें, तो ये देखो अकाउंट मैंने मेमोरीलाइज रिपोर्ट के साथ खत्म कर दिया। अभी एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आप इस रिपोर्ट को करते हैं किसी के अकाउंट को मेमोरीलाइज रिपोर्ट के साथ खत्म करते हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग रात के वक्त इस रिपोर्ट को करें। अगर आप दिन के वक्त करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि रात के वक्त इस रिपोर्ट को करें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।